किसान भाइयों, आज हम आपको गोभी की ट्रांसप्लांटिंग के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। आपने पहले के वीडियो में नर्सरी कैसे तैयार करते हैं उसका देखा है आपने, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में देखा जाए। अब यहाँ हम प्लांटेशन से संबंधित कुछ सावधानियों के बारे में बताएंगे कि गोभी की नर्सरी लगाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए और किस तरीके से उसको प्लांटेशन करना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका खेत जो है उसमें प्रॉपर, अगर आप ड्रिप इरिगेशन के साथ गोभी लगा रहे हैं तो पहले प्रॉपर बेड की हाइट, जो आपने यहाँ पे बेड देखी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं फील्ड में, तो उसकी बेड की हाइट प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि ये बारिशों का भी सीज़न होता है। इस समय कभी भी बारिश तेज़ हो सकती है, वाटर लॉगिंग हो सकती है, बेड दब सकते हैं, तो बेड की हाइट अच्छी रहे। यहाँ जैसे सैंडी सॉइल है तो यहाँ पर हम अच्छी बेड बनाते हैं, क्योंकि बेड समय के साथ साथ घटती जाती है, दबती जाती है, तो उस चीज़ को ध्यान रखें। दूसरा, जो हम प्लांटेशन करते हैं गोभी में, उसमें आप क्या देखते हैं, ये नज़दीक से आप यहाँ पे दिखाओगे तो इसमें देख रहे हैं कि आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो करीब 8 से 10 पत्तियाँ हो चुकी हैं। ये प्लांटेशन किए 7 दिन के करीब पौधा हो चुका है, तो इसमें जब हमने प्लांटेशन किया था तो ये 5 से 6 पत्ती का था। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 5 से 6 पत्ती हों हमारे पौध में, जड़ें मजबूत बन चुकी हों और तने में थोड़ा सा हार्डनेस आ गई हो। अगर तने में हार्डनेस नहीं रहेगी तो उसमें मॉर्टिलिटी बढ़ सकती है उस प्लांटेशन में। तीसरा, एक बात और हम यहाँ पे कर सकते हैं, अगर हमारे पास स्प्रिंकलर सिस्टम की फैसिलिटी है तो हम शुरू में ड्रिप से मॉइस्चर ना देके स्प्रिंकलर से मॉइस्चर देते हैं, जिससे कि हमारा खेत में एक समान वेटिंग हो जाता है, पूरे खेत पूरे बेड पर एक अच्छा वेटिंग पैटर्न इस्टेब्लिश हो जाता है और रूट इस्टेब्लिशमेंट में काफ़ी मदद मिलती है। तो अभी हम यहाँ पे आपको दिखाने जा रहे हैं कि अगर आपका प्लांटेशन करने का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए, ये हमारा एक पौधा है, यहाँ पर आपको ये देखिए, हमने थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो यहाँ पे कोकोपीट नीचे दिख रही है, ये कोकोपीट है। तो यहाँ आप बहुत ज़्यादा गहराई में इस पौध को नहीं लगाएंगे, ऑलमोस्ट कोकोपीट का जो प्लग है उसका लेवल और आपके बेड का लेवल एक बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी इसके तने के साथ आ जाए तो वो इसको नुकसान कर सकती है या तने में गलन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है और इसे बहुत ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है। तो ये चीज़ आप देखिए, इसको सावधानी रखनी है प्लांटेशन में। दूसरा ये है कि जब हम प्लांटेशन करते हैं उस समय ही साथ के साथ आप इन पौधों के लिए थाइफोनेड मिथाइल 2 ग्राम प्रति लीटर, 12-61-00 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना करके 20-25 ml प्रति प्लांट आप इसमें ड्रेंचिंग के माध्यम से जड़ों में दे सकते हैं, जिससे जो भी मॉर्टिलिटी या गलन होने की संभावना हो वो कम हो जाए। तो इस प्रकार आपके पौधे जब 5 से 7 दिन में इस्टेब्लिशमेंट में आ जाएं तो इनमें ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से इरिगेशन और फर्टिगेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से प्लांटेशन करने के बाद गोभी में जो फर्टिगेशन हमको स्टार्ट करना है प्लांटेशन के 5 से 7 दिन में हमारा पौधा जब इस्टेब्लिश हो जाए, नई ग्रोथ आ जाए, नई पत्तियां आ जाए, तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि गोभी का पौधा अभी मिट्टी में चल चुका है। तो इसके बाद हम ड्रिप में फर्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ड्रिप में फर्टिगेशन के लिए जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र में आपका एक तो यूरिया है, वो आप यूज़ कर सकते हैं ओपन फील्ड में, 0050 है पोटास का सोर्स है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और फास्फोरस के लिए 12-61-00 NPK ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनकी जो मात्रा है वो आप इस प्रकार से रखें, जैसे प्रति सप्ताह, अगर सप्ताह में आप 2 या 3 बार देने वाले हैं तो 2 बार में दीजिए, 3 बार देते हैं पानी खाद तो आप 3 बार में दीजिए, उसके हिसाब से आपका फर्टिगेशन प्रॉपर हो जाएगा। तो एक सप्ताह में कम से कम 12 से 15 किलो यूरिया प्रति एकड़ और 0050 की मात्रा 4 किलो प्रति एकड़ और 12-61-00 जो आपको देना है वो इसमें 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ देना है। ये एक सप्ताह के निर्धारित दौर है, जो कि आपका एक महीने तक की क्रॉप, एक महीने तक की जब ये गोभी हो जाती है तब तक इसको इसमें यही क्रॉप चलानी है। इसके साथ आप इस बीच में 1 या 2 बार माइक्रोन्यूट्रिएंट का ऊपर फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, वो आपके प्लांट को अच्छी ग्रोथ देगा। 1 महीने के बाद, जब 1 महीना इसका पूरा हो जाता है, तो इसमें जो खाद का शेड्यूल है वो थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है। जो बदलाव है वो इस प्रकार रहेगा
यूरिया की मात्रा सेम रखें 12 किलो प्रति एकड़ प्रति सप्ताह, 12-61 भी सेम रखें प्रति किलो प्रति सप्ताह 2 किलो, 1.5 से 2 किलो, और 0050 उसकी मात्रा आप अगर 4 किलो चराना है तो उसको बढ़ाकर 8 किलो तक करनी है। इसके साथ ही सप्ताह में एक बार 3 किलो प्रति एकड़ मैग्नीशियम सल्फेट का भी इस्तेमाल करना है, और कैल्शियम और बोरॉन ये भी आपको देना है अलग से। इसमें 1261 MOP या SOP और 1261 सल्फेट ऑफ पोटास या 0050 यूरिया मैग्नीशियम सल्फेट, ये तीनों फर्टिलाइज़र आप एक साथ डिजॉल्व करके दे सकते हैं। इसके साथ आपको कैल्शियम नाइट्रेट नहीं मिलाना है। कैल्शियम नाइट्रेट हफ्ते में एक दिन अलग से आपको देना है, जिससे आपकी फर्टिलाइज़र की कंपेटिबिलिटी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट इसके साथ मिलाने से ये फट जाता है तो आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो सप्ताह में एक दिन आप कैल्शियम नाइट्रेट लगभग 3 किलो और उसके साथ लगभग 150 ग्राम बोरॉन 20% के नाम से आता है वो दे सकते हैं। और इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी आप हफ्ते में एक स्प्रे ज़रूर लीजिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी इसकी ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें जैसे जैसे ये एक महीने बाद 35-40 दिन हो जाए तब आप उसके यूरिया की मात्रा को कम कर सकते हैं, जो 12 किलो है उसको 4 से 6 किलो तक आप घटा सकते हैं। तो इस तरीके से यूरिया की मात्रा कम हो जाएगी, पोटास की मात्रा बढ़ने लग जाएगी जैसे जैसे कर्ड और मैच्योरिटी पे आता है। कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन इसके कर्ड को बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए उसका प्रयोग ज़रूर करें। मैग्नीशियम सल्फेट पत्तों में अच्छी चमक रखता है, पौधे को हेल्दी बना के रखता है, तो इसलिए वो भी एक महीने के बाद के फर्टिकेशन शेड्यूल में ज़रूर से ऐड करें। इससे आपकी गोभी की बढ़वार काफ़ी अच्छी होगी। ये हमारा गोभी का प्लॉट है यहाँ पर, जो कि 1 से 1.5 महीने का हो गया और इसमें अब धीरे धीरे कर्ड भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। जैसे कुछ में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फूल काफ़ी अच्छा बन गया। अब ये मैच्योरिटी का साइन ये है कि अब ये पूरी तरह से फूल जो है पत्ते इसके बाहर की तरफ खुल गए हैं और ये एक्सपोज हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये जो इसका हार्वेस्टिंग का स्टेज एकदम परफेक्ट है, इस स्टेज पर आप हार्वेस्टिंग इसकी कर सकते हैं। साथ ही अब ये फील्ड में हमने आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारा लगभग मैच्योरिटी की तरफ आ गया है, तो इसमें हमने वो फर्टिगेशन चेंज किया हुआ है। साथ ही यहाँ हमने एक ट्रायल किया हुआ है जिसमें हमने गोभी मल्चिंग पे लगा रखी है, आप इसको देख रहे हैं। तो यहाँ मल्चिंग का हमें काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिला है, क्योंकि 1 एकड़ में गोभी की जो घास निकालने का गुड़ाई का खर्चा है तो वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इस पर मल्चिंग यूज़ करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, लेकिन मल्चिंग यूज़ करने के लिए थोड़ी सावधानियां हैं, एक बार एग्रोनॉमिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। तो आपको गोभी की काफ़ी अच्छी क्वालिटी मल्चिंग पे मिल सकती है और आपके खर्चे में काफ़ी कमी आ सकती है। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। बाकी अगले वीडियो में जब कर्ड हमारे निकलने लगेंगे तो हम आपको और हार्वेस्टिंग के बारे में जानकारी देंगे। थैंक यू। Connect with us on Facebook, Instagram, Twitter and subscribe the YouTube channel of AgriPlus Tech India Private Limited and press the bell icon to get notification when we upload a new video.